ध्रुव राठी ने दी केरला स्टोरी मूवी को लेकर एक प्रॉपर वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड की थी, जहाँ पर उन्होंने केरला स्टोरी मूवी के ऊपर अपने नेगेटिव ओपिनियन शेयर किए थे। और ध्रुव ने कहा था कि एक मनगढ़ंत कहानी है, इसमें दिखाए हुए सभी चीजें गलत और फेक है। तो इस वीडियो के ऊपर एल्विश यादव ने उनको रिप्लाई किया, तो और भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने ध्रुव राठी को रिप्लाई किया था। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने भी सभी यूट्यूबर्स को रिप्लाई करते हुए कहा कि 12 मिलियन व्यूज ऑफ यूट्यूब, 2 मिलियन व्यूज ऑफ फेसबुक, लगभग इंडिया की 1% पॉपुलेशन ने इस सिंगल वीडियो को देखा है और इस वीडियो के कारण मुझे काफी सारी नफरत और जान से मारने की धमकी भी मिली है, पर उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को प्यार और समर्थन भी मिला। कई लोगों ने मुझे गाली देकर इसका विरोध करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सभी लोग असफल रहे। क्या उन लोगों को रिप्लाई करते हुए मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए जो अभी भी इस फिल्म का बचाव कर रहे हैं, या फिर रहने दें? तो दोस्तों इसी बात के ऊपर ध्रुव राठी की एक और रिप्लाई वीडियो आ सकती है। तो दोस्तों ध्रुव राठी के इसी कमेंट के नीचे एक बंदे ने ट्वीट करते हुए कहा कि द केरला स्टोरी मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई है, कलेक्शन रोज बढ़ती जा रही है, लग रहा है तुम्हारा प्रोपोगंडा वीडियो देखकर सभी लोग सीधा मूवी देखने ही जा रहे हैं, थैंक्स फॉर प्रमोशन दिस वीडियो। तो दोस्तों इसको लेकर आप ध्रुव राठी के ऊपर क्या कहना चाहते हो, अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे कीर्ति मेहना ने अपना एक व्लॉग अपलोड किया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने केरला मूवी देख ली और उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिव्यू किया था। तो आप लोग खुद देख लीजिए इसके ऊपर कीर्ति मेहरा का क्या रिएक्शन है। ये था कि लव जिहाद पे ये मूवी थी, तो मैं, मेरे को तो बहुत पर्सनली पसंद आई है, मैं सबको बोलूँगी जाके देखो, थोड़ी आपको मोटिवेशन मिलेगी। अब मैं ये ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं बोलना चाहती क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पे सब ऐसे प्रोडक्शन तो देख, बट मूवी बहुत अच्छी है, जाके गाइस जरूर देखना। बाकी अब तू बता दे। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी यार। किस पे लगी तेरे को ये मूवी? लव जिहाद ही है और ये काफ़ी होता भी है, तो इन्होंने बहुत सही है कि मतलब नॉर्मल पब्लिक को पता चले। तो दोस्तों यहाँ पर आपके केरला स्टोरी के ऊपर क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।